सो एबे मम्मी आ मु बाहर के जाऊ छु मार्केट मते किछि दिन से आनी करछि जिबा मार्केट तो मुझे आसली मार्केट बिल्डिंग मते मार्केट बिल्डिंग बॉय ने कर एक्चुअली किसी जिनस नबार थिला संबलपुरी कपड़ा नबार थिला कहीं मुझे डिसाइड करी गोटे संबलपुरी अनारकली बनइबे बोली तो से आग आसगली बयनिका एंड बयनिका मत कपड़ा बहुत ही बढ़िया लगे यहाँ पूरा प्योर कटन रहा एंड आपको पसापाली मे भी कहते ये जो प्रिंटा को एंड यहाँ मीटर 1200 कि 1300 थी मोर ठीक से मन पड़ूनी कि प्योर कटन थी बहुत बढ़िया था जेहेतु मुझे अनारकली बनाऊँ तो तले मुझे जर्जेट कपड़ा जोटा कि से मार्केट बिल्डिंग अंडरग्राउंड में मतलब मिलगला तापर बहुत जोर भोक होता तो आम डायरेक्ट पलैसलू दादा बिरयानी जोटा कि भुवनेश्वर अपन ही जाइए एंड आम आसीगलु बिरयानी एंजय करने कहीं मार्केटिंग बहुत हो गला बिरयानी लुक आउ टेस्ट एकदम दादा बिरयानी थिला माने जोटे कि मुझ कटक रे खाई कटक रे जो मैंने रोचन से तो डेफिनेटली जानी थे कि दादा बिरयानी कितने फेमस कटक रे आउ यार टेस्ट भी पूरा सेम थिला फोन करी खुला ना मुझे घर को पलि घर आसपड़ी तो नेक्स्ट डे संडे मुझे बुटिक जो सब मो ड्रेस मैंने बनवाक दिए तो मुझे कहूली कि केमी मो ड्रेस डिजाइन मुझे अनारकली संबलपुरी अनारकली तो से विषय में डिटेल्स जनाऊली आज जेहतु संडे थिला मु बुटिक रु गला परे खाई पूरा आराम से सोई पड़ी थी जेहतु मु बहुत अलसुआ ब्लॉगिंग करिवारे कंटिन्यू कर पार नी देन आम इवनिंग रे अगेन आसिलु खाइबापी गोटे जगह को ये टेस्ट ऑफ चाइना जोटी की चाइनीज खाइबा बहुत बढ़िया मिले मुझे शुणी थी तो आम से मम्मी और मुझु देन मुझर दूली कौन खाइबी कौन नाई तो आपको खाइबा बहुत ही बढ़िया था मत आपको खाइबा भी बहुत टेस्टी लगे सरगला मो खाइबा एंड खाइबार टेस्ट और प्राइस मत बहुत ही बढ़िया लगे से भी आम चलु कड़े जीव डिसाइड कर खाना खाइना
आज भी दिन में मुझे बुटीक आसला शोपड़ी मतलब बहुत जोर टायर्ड निद लगे तो बहुत सारा ब्लॉग मैंने बहुत सारा क्लिप्स मुझे एड भी करें कौन करी कौन नाई बट मुझ बाहर को जाए जहाँ जहाँ भी करती सब क्लिप मुझे एड कर दी कल भी बाहर को जाइए मम्मी मोर खाइबा कोई आज भी जाइए जो तो सैटरडे संडे थी देन कल फिर मोर जिम स्टार्ट मोर गला लाइफ तो से आज ब्लॉग टी एंड करुँच नेक्स्ट पुणी देखा हाँ आउ गोटे ब्लॉग जदि आप चैनल को एपर्तंत लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना तेल जल्दी जल्दी जाए जाइए लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दिंतु थैंक यू फॉर वाचिंग लव यू ऑल बाय।